हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्केल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरे इस चैनल में मैंने कुछ और भी जो है वीडियोस इंक्लूड किए हैं, विच इज़ अबाउट द एजुकेशन न्यूज़ वैकेंसीज एंड ऑल। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है मैं पोस्ट करती हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्केल, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है यूजीसी नेट में। फ्रीक्वेंटली इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इस आस्पेक्ट से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है। लाइक इनका अगर मीनिंग किसी को पता है तो वो आपके 100% श्योरिटी के साथ वो क्वेश्चन सही हो सकता है। तो एक चीज़ मान के चले, आपने अगर इसका मीनिंग समझ लिया तो फिर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है फुल मार्क्स जो इसमें लेके आ सकते हैं। इसके जो मेजरमेंट स्केल जो है टोटल 4 टाइप होते हैं। रिसर्च की फील्ड में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, और ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है। इवन अगर कोई नॉन रिसर्च की फील्ड का भी है तो वो भी इस एस्पेक्ट को समझ सकता है। फर्स्ट है वो है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल जो है वो काफ़ी एक जनरल स्केल है, अगर एक जनरल वे में देखें तो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। और वो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, अपने अपने थॉट प्रोसेस से। एक जो अगर कोई भी आपके पास अगर कोई चीज़ है उसको आप किस तरह से सेपरेट करोगे, या फिर अगर कोई अदर पर्सन आपको बोलता है कि इस चीज़ को जो है आइडेंटिफाई करके एक अलग सेक्शन में रखना है आपको, सो ये हो जाता है आपका नॉमिनल स्केल। रिसर्च की फील्ड में फर्स्ट और बेसिक स्केल यही रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाटा जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि किस किस एरिया का है। सो फर्स्ट स्टेप इज दिस, देयर आर केसेस वेयर दिस स्केल इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का जो है वर्ड आया है, बट यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा टर्म जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो नंबर जो है वो इस टर्म से जो है एसोसिएट नहीं होगा। नॉमिनल स्केल है, यहाँ पर सिर्फ आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, उनको अलग अलग करना है। उनके क्या नंबर है या फिर वो कितने नंबर है वो मैटर नहीं करता है, ओनली आइडेंटिफाई द डाटा। आइए इसको डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल काफ़ी अच्छा है और सिंपल, एकदम सिंपल एग्जांपल है जनरल लाइफ से रिलेटेड। एक क्लासरूम है तो वहाँ पर ये डिसाइड करना है कि हाउ मैनी मेल एंड फीमेल इन द क्लासरूम, कितने मेल एंड फीमेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लासरूम में जाके ही एक पर्सन क्या देखेगा आपकी क्लास में, आइडेंटिफाई करेगा मेल एंड फीमेल। यहाँ से नॉमिनल स्केल जो है स्टार्ट होता है। तो आप अगर कोई भी अदर पर्सन जो है उसको कैटेगरी वाइज या फिर क्लासिफिकेशन करने के लिए बोला है, तो उसका पहला काम ये रहेगा कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि कितने मेल है और कितने फीमेल। उसके बाद में पहले तो वो सेपरेट करेगा मेल एंड फीमेल, उसके बाद में वो काउंट करेगा। बट काउंटिंग से पहले का जो प्रोसेस आइडेंटिफाई करना, तो ये हो गया आपका नॉमिनल स्केल का पार्ट। और ये सबसे ईजी एग्जाम्पल है। इस टाइप से अदर भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट एक मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में नॉमिनल स्केल है क्या। और टर्म वर्ड जो है वो काफ़ी थोड़ा डिफरेंट लगता है, बट एक बेसिक लाइफ से काफ़ी कनेक्टेड है। दूसरा स्केल जो है वो है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल जो है वैसे तो ये स्टार्ट होता है ऑर्डर के फॉर्म से, नाम से ही क्लियर है ऑर्डिनल स्केल। दैट मीन्स कि समथिंग विच इज़ इन ऑर्डर फॉर्म, कोई भी चीज़ को जो है ऑर्डरली फॉर्म में रखना। लाइक अगर क्लासरूम का अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है, उसी में ही अगर स्टूडेंट मेल है तो उनको जो है एक ऑर्डरली अल्फाबेटिकली जो है उस फॉर्मेट में जो है अरेंज करना, हो सकता है इसका एग्जांपल बन जाए ये भी। या फिर कोई डाटा है रिसर्च की फील्ड के लिए, आपने कोई डाटा लिया है, उस डाटा को एक ऑर्डिनरी या फिर एक ऑर्डरली वे में उसको प्रेजेंट करना। लाइक फर्स्ट आपका ये डाटा यूज में आएगा, सेकंड ये, देन ये, उसके बाद में ये, लास्ट में ये आएगा काम। तो ये भी हो सकता है। इसके लिए जो है एक तरह से मान के चले ऑर्डिनली स्केल जो भी है इसमें आपके जो है कोई न्यूमेरिकल एस्पेक्ट नहीं आएगा, एंड नॉट द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर ऑर्डर शो करना है, ना कि डिफरेंस। आपको ये डिफरेंस नहीं बताना है कि कौन किससे लंबा है, या फिर कौन ज़्यादा सेटिस्फाई है, या फिर कौन सा डाटा जो है वो ज़्यादा यूज में आएगा।
वो जो है डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ आपका डाटा ऑर्डरली फॉर्म में आएगा। और इसके लिए भी एक एग्जांपल जो है वो मैंने सिंपली वे में प्रेजेंट किया है कि हाउ सेटिस्फाई आर यू विथ आवर सर्विसेज। काफ़ी ज़्यादा जो है वेबसाइट्स में, या फिर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग्स में, या फिर वहाँ पे आपने देखा होगा फीडबैक आता है, एक फीडबैक ऐसा आता है, इस तरह से जो है इनका ऑर्डर बना हुआ होता है, वेरी सेट, अनसेटिस्फाई, अनसेटिस्फाई, न्यूट्रल, सेटिस्फाई, वेरी सेटिस्फाई, ये है इनके ऑर्डर। और नॉर्मली यही प्रोसेस रहता है, अदरवाइज इनकी जो स्माइलीज जो है वो गिवन होती है कि आपको कैसा लगा हमारा जो सर्विस है वो। तो ये हो सकता है ऑर्डिनली स्केल का एग्जाम्पल, और एक तरह से ये रिसर्च भी है कि वो फीडबैक के रूप में अपना जो रिसर्च ले रहे हैं कि हमारा कस्टमर का व्यू जो है ये इस तरह से है। और नॉर्मली काफी रिसर्चर ये वाला जो स्केल जो है यूज में लेते हैं। नेक्स्ट इज इंटरवेल स्केल। अब ये भी नेम से ही क्लियर है, इंटरवेल दैट मीन्स कि ब्रेक, आपको ब्रेक लेना। ब्रेक किस चीज का, वो हो जाएगा डिफरेंस, किसी चीज को डिफरेंस करने के लिए, किसी भी वेरिएबल, किसी भी डाटा के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना, वो हो जाएगा इंटरवेल। अब इंटरवेल जो है वो किस तरह से यूज में आएगा, वेरिएबल्स दैट हैव फेमिलियर कॉन्स्टेंट एंड कंप्यूटेबल डिफरेंसेस आर क्लासिफाइंग यूजिंग द इंटरवेल स्केल। इट इज इजी टू रिमेंबर द प्राइमरी रोल ऑफ स्केल टू। इंटरवेल इज इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटिटीज। लाइक अगर आपको किसी क्लासरूम में बीच में एक इंटरवेल मिलता है, तो वो क्या है, आपके लेक्चर्स के बीच में एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस दैट मीन्स की हो सकता है वो डिस्टेंस अच्छा भी हो सकता है कई बार वो डिफरेंस जो है वो या आपके लिए अच्छा नहीं भी हो, ये डिपेंड करता है सिचुएशन। ये ही चीज इंटरवल स्केल में ही आएगी कि ये आपके लिए एक डिस्टेंस क्रिएट करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन टू एंटिटीज। हो सकता है टू एंड मोर भी हो जाए, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमेशा टू ही हो। हमेशा एक वो क्राइटेरिया बना सकते हैं कि बेसिक जो है वो टू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक एग्जाम्पल जो है वो है, कंसिडर अ सेल्सियस फॉरेनहाइट टेम्परेचर स्केल, 80 डिग्री इज ऑलवेज हायर देन 50 डिग्री। यहाँ पर एक ऑर्डर भी है और उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव अप्रोच भी है, देन एक डिफरेंस भी है। इंटरवल स्केल में तीन चीजें आ गई, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आप क्लियर हो जाओगे कि आपका इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच आ जाएगा, ऑर्डरली फॉर्म भी आ जाएगा, उसी के ही साथ इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस भी आ जाएगा। तो तीनों चीजें आ गई इंटरवल में। अब हायर एंड लोअर, ये भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट इसने मेनली डिस्क्राइब किया है एक डिफरेंस है, 80 डिग्री इज ऑलवेज हायर देन 50 डिग्री। इसी तरह से दूसरा भी मैंने बताया है कि टेम्परेचर के बारे में इन्होंने कुछ डिटेल दी है। ये है आपका इंटरवल स्केल, बस इसमें एक टर्म जो है वो ध्यान रखना है, वो है डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसमें, और उसी के ही साथ में इसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी आया है। ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल में न्यूमेरिकल एस्पेक्ट नहीं आएगा। लास्ट वाला जो स्केल है वो डिस्कस करते हैं, काफी इम्पोर्टेंट। लास्ट है आपका रेशियो स्केल। रेशियो स्केल इज द पीक स्केल लेवल ऑफ डाटा मेजरमेंट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। अब ये कैसे है पीक लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, ये तीनों जो है बेसिक लेवल वाली चीजें थी। रेशियो स्केल जब आ जाता है तब वहां पर थोड़ा सा जो लेवल है उसका हाई हो जाता है, क्योंकि रिसर्च के फील्ड में जैसे जैसे आप रिसर्च करते हो, पहले आप बेसिक चीजें जो है वो समझोगे, उसके बाद में आप धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे तो आपको और नई चीजें मिलेंगी और अदर के कंपैरिजन में काफी जो है एडवांस भी होंगी। सो यहाँ पर भी यही चीज है। रेशियो स्केल नाम से वैसे क्लियर है, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है रेशियो, तो ऑब्वियसली सारी चीजें रेशियो के फॉर्मेट में इंक्लूड करनी है। और वो कैसे इंक्लूड करनी है, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रेशियो स्केल इंक्लूड लेंथ, लेंथ, वेट, टाइम। अब हो सकता है इसमें कैटेगरी डिवाइड कर ले कि इतनी लेंथ के अकॉर्डिंग इतना वेट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका रेशियो स्केल का एग्जांपल। और कई बार ऐसा होता है कि लेंथ एंड वेट का रेशियो ये होना चाहिए, फिर कई बार ऐसा होता है कि एज, टाइम में एज इंक्लूड कर सकते हैं, एज के अकॉर्डिंग लेंथ इतनी होनी चाहिए, इसके बाद में वेट भी इतना होना चाहिए। तो ये भी एक तरह से रिसर्च का फील्ड है,
जो अपन देख सकते हैं बेसिक लाइफ से काफी कनेक्टेड भी है। एक और इसमें एक एग्जांपल है रेशियो स्केल का, और जनरली रेशियो स्केल जो है वो मार्केट रिसर्च में यूज आता है कि कस्टमर के क्या नंबर है, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, प्राइस कितने हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे रेशियो स्केल पे। ये पूरी चीजें जो है एनालाइज करता है एक मार्केट रिसर्चर, और ये काफी ज्यादा जो है बेनिफिशियल रहता है मार्केटिंग के फील्ड में, एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस स्केल, एवरीथिंग। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल जो है वो डाला है। सो फर्स्ट एक एग्जांपल मैंने क्लियरली लिखा है इसमें, एक वेट का एग्जांपल जहां पर वेट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। अब इसमें अगर एक तरह से एनालाइज करें तो कैटेगरी वाइज अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो एक ऑर्डिनल स्केल आ जाएगा। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस 40 to 60, 61 to 80, तो ये आ गया इंटरवेल। उसके बाद में इनका पूरा प्रोसीजर ये आएगा आपका रेशियो। दैट मीन्स कि आपका इसमें वेट के वाइज, इन्होंने वेट वाइज इन्होंने लिखा है कि इतना केजी, इसके अंदर इतना केजी आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डू यू फॉल, आप किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो। तो ऑब्वियसली इतना जो है, अगर मान लो किसी का वेट आता है 55, तो वो अपना कैटेगरी बता देगा 40 to 60। तो ये हो गया रेशियो 40 to 60 के बीच का। ये हो गया आपका एग्जाम्पल रेशियो स्केल का। और स्केल ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट स्केल काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मैंने इसमें इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि काफी सिंपली वे में एक्सप्लेन करूं, जिससे जो है एक अगर बेसिक क्वेश्चन भी आता है, वैसे बेसिक क्वेश्चन ही आता है नेट के एग्जाम में इस स्केल के रिगार्डिंग, तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और इवन कई बार मैं भी खुद कंफ्यूज हो गई थी कि व्हाट इज मेजरमेंट स्केल, क्या हो सकता है ये स्केल। जब मैंने इसका पूरा एनालाइज किया, अब ये सीन होता है कि ये वाला सबसे पार्ट जो है मुझे बहुत इजी लगता है। सो आप भी इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर सकते हैं नेट के एग्जाम के पर्पस के हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।